वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आईपीएल का मिनी ऑक्शन बहुत ही जल्द आपके महीने में देखने को मिलेगा। वहीं पे सारी की सारी टीमें देखा जाए तो आईपीएल के ऑक्शन की तैयारी करने में लगी हुई है। वहीं पे आरसीबी टीम से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप आरसीबी के फैन है तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आईपीएल ऑक्शन में आप लोगों को बहुत बड़े बड़े प्लेयर देखने को मिलेंगे, लाइक मिचेल स्टार्क हो गए, पैट कमिंस हो गए, डेरिल मिचेल हो गए, ट्रेविस हेड हो गए, तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हमारे आप लोगों को ऑक्शन में देखने को मिलेंगे। वहीं पे आरसीबी के फैंस, जी हां आरसीबी के फैंस ये डिमांड कर रहे हैं कि आरसीबी ट्रेविस हेड को अपनी टीम में ले। देखिए अगर ट्रेविस हेड आरसीबी की टीम में आते सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आ रही है कि उन्हें आप खिलाओगे कहां। और आरसीबी के फैंस चाह रहे हैं कि देखिए ट्रेविस हेड पहले भी आरसीबी की टीम से खेल चुके हैं, शायद मेरे हिसाब से 2015 या फिर कुछ 2017 के टाइम का वो सीजन था जब मेरे हिसाब से ट्रेविस हेड आपकी टीम में थे और उस टाइम खेले भी अच्छा खासा थे। तो मेरे हिसाब से तब भी आरसीबी के फैंस बोल रहे हैं कि आरसीबी में ट्रेविस हेड को आना चाहिए। अगर मैं बात करूं ट्रेविस हेड को आप खिलाओगे कहां, सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आ रही है अगर आपको उनका बेस्ट चाहिए, जहाँ पे वो अच्छा खासा खेल सके, तो आप लोगों को उन्हें टॉप ऑर्डर में खिलाना पड़ेगा। और टॉप ऑर्डर में आप खिलाओगे किसके यहाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि आपने ऑलरेडी टॉप ऑर्डर का ही प्लेयर आप समझ सकते हो कि कैमरन गेन 17.5 करोड़ में आपने ट्रेड करवा लिया है। अब सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आ रही है कि ट्रेविस हेड अगर आपने टारगेट भी कर लिए तो आप खिला नहीं पाओगे उन्हें, क्योंकि आपके पास विराट आप ओपन करेंगे नंबर 3 पे, आप मेरे हिसाब से तो रजत पाटीदार के साथ जाओगे, फिर आपके पास मैक्स लाएंगे, फिर नंबर 5 पे आपके पास कैमरन गेन और देन आप नंबर 6 पे जाओगे दिनेश कार्तिक के साथ। तो फिर मेरे हिसाब से आपको मतलब नंबर 7 पे तो ट्रेविस हेड की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बैकअप भी सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से बैकअप के तौर पे भी आपके पास ऑलरेडी विल जैक्स जैसे प्लेयर आपके पास है, तो मेरे हिसाब से आरसीबी ट्रेविस हेड के पीछे तो जाने के बारे में सोच नहीं रही है। तो आप लोग भी मतलब इतना मत सोचिए कि ट्रेविस हेड आप लोगों को शायद ही मुश्किल है कि आरसीबी की टीम में देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।